जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रुंकी और संगे संगे जत्रु भाई बटले भी। बहुत बहुत जोहार किसान भाई मन। और शुरुआत करेंगे हम बहुत सारी बातों के साथ, लेकिन आप तो जानते ही कि हम शुरुआत करने से पहले चलते हैं और देखते हैं कृषि समाचार। और कृषि समाचार में हमारे मन जिसन की जानी ला कि हर बार हमारे मन कृषि से संबंधित बहुत जानकारी हमारे मन के मिले ला और संगे संगे जानी ला बाजार भाव कर बारे और मौसम के मिजाज के बारे में भी जानते हैं हम। तो चलिए देखी ला हमारे फटाफट और जानकारी कर ले कि आज कृषि समाचार में हमारे मन काका देखब और काका जानब। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सपा गुलरेस। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालकों के लिए रांची में चलाया जा रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम। अनगढ़ा के लुपुंग गांव में हुआ मशरूम उत्पादन पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सफल किसानों की श्रेणी में आज हम मिलेंगे एक जुझारू और मेहनतकश किसान से। और अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष राज्य के मछली पालक ज्यादा से ज्यादा मछली उत्पादन कर सके, इस उद्देश्य को लेकर झारखंड मत्स्य विभाग की ओर से मत्स्य कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पिछले दिनों रांची में आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिसमें रांची, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, कोडरमा और धनबाद के मत्स्य कृषकों ने भाग लिया। प्रशिक्षित मछली बीज उत्पादकों को विभाग द्वारा 75% अनुदान पर मछली बीज उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही मछलियों के लिए 2,000 रुपये का आहार भी दिया जाएगा। पिछले दिनों अनगढ़ा प्रखंड के लुपुंग पंचायत सचिवालय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। जो किसान बिना श्री विधि के हाइब्रिड धान लगाने जा रहे हैं, वो बिचड़ों के पुष्ट विकास के लिए 100 वर्ग मीटर के बिचड़े लगे खेत में समान मात्रा में आधा आधा किलो नेत्रजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल करें। अगर आप बगैर श्री विधि के हाइब्रिड धान लगा रहे हैं तो बिचड़ों की बेहतर पैदावार पर तो ध्यान दे ही, साथ ही खेतों में बिचड़ों की रोपाई तभी करें जब वो 21 दिन का हो गया हो। इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, अगर आप श्री विधि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप जो हाइल्डिंग वैरायटी लगा रहे हैं या हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं धान की, तो उसके लिए बिचड़े को बहुत ध्यान दें और जो नर्सरी में आप रासायनिक उर्वरक भी दें। जैसा 100 वर्ग मीटर के लिए आप अगर बिचड़ा लगा रहे हैं तो आधा किलो नेत्रजन, आधा किलो फास्फोरस, आधा किलो पोटास भी उसमें डालें। 12 दिनों बाद आप 250 ग्राम 410G भी उसमें डालें, जो कीड़ों मकोड़े से बचाव करे। आप 21 दिन का बिछड़ा बड़ा ही सही होता है, यानी कि 15 से 25 दिन का बिछड़ा आप रोपा के लिए अपने खेत में ले जाएं, तैयार खेत में ले जाएं, ताकि अगर आपको सही आपका अगर बिछड़े की आयु होगी तो जो स्थिरता होगी वो अच्छी होगी। पौधे की संख्या का खास ध्यान रखें, पौधे की संख्या आपके खेत में कम ना हो। अगर इस तरह से आप रोपा करेंगे, इस तरह से बिछड़े का ध्यान रखेंगे, तो आने वाले समय में खरीफ मौसम में आपके धान की अच्छी फसल आपको मिलेगी। बरसात में अदरक की खेती के लिए मेड़ बनाकर बीजों की बुआई करें और इससे बेहतर उत्पादन के लिए किसान नदिया, सुरुचि, सुप्रभा और वर्धमान नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अदरक की खेती समुचित जल निकास वाली सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। बरसात में मेड़ बनाकर बुआई करने के बाद उसे सूखी पत्तियों से ढक दिया जाए तो खरपतवार नियंत्रण सहित फसल के पैदावार में विशेष फायदा मिलेगा। किसान अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए नदिया, सुप्रभा, सुरुचि, सुप्रिया और वर्धमान नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान खेतों में बीज और खाद छींटने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी सफलता का राज है कि ये बदलते वक्त के साथ अपनी खेती में नई तकनीकों को अपनाते रहते हैं।
इन्होंने जब से अपने खेतीबाड़ी के काम में नई तकनीकों को प्राथमिकता दी है, तब से इनके उपज में आशातीत वृद्धि हुई है। आज ये न सिर्फ बेहतर पैदावार के मालिक हैं, बल्कि उन्नत खेती के पैरोकार भी हैं। मेरा परिवार में 5 परिवार हैं। उसके बाद 1 एकड़ में हम जब खेती लगाए हैं तो हम खेती ही से ही आश्रित हैं, और इसी खेती के कारण ही मैं सब पल बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अपना इसी से गुजर बसर कर रहे हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह हैं। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1,750 रुपए से 2,025 रुपए, चावल मध्यम 2,050 रुपए से 2,350 रुपए, चावल उत्तम 2,600 रुपए से 3,900 रुपए, गेहूँ 1,325 रुपए से 2,025 रुपए, चना 3,500 रुपए से 3,800 रुपए, दाल अरहर 5,700 रुपए से 6,550 रुपए, दाल मसूर 4,550 रुपए से 4,850 रुपए, दाल चना 4,500 रुपए से 4,850 रुपए, सरसों तेल 8,550 रुपए से 9,550 रुपए, चीनी 3,250 रुपए से 3,400 रुपए, आलू 600 रुपए से 900 रुपए और प्याज 1,050 रुपए से 1,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ातरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। चौहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में जाना, मंडी के भाव के बारे में जाना और साथ ही बहुत सारी तकनीकों के बारे में भी जानकारी ली। नगद बात के कहली भौजी, तो हमरे मन फटाफट एक विराम के ले लेवे ला, और विराम करवा दे कहूँ मिजाब रोड मन, कारण है कि हमरे मन रोड मन से जुड़ल बहुत सन जानकारी अखन लेके आई और मन के बहुत नगद नगद जानकारी अखन रोड मन के भेटाई। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल, इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में,
बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। आज की जो पहली जानकारी है वो ये है कि अगर जो हमारे किसान हैं धान लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं, तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है जिससे उनकी धान की जो पैदावार है वो अच्छी हो सके और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। एकदम मतलब ऐसा है किसान मान कि एखन बरसात शुरू होने वाला है तो तैयारी रोमन करके शुरू कर दही, खेत बटेक जाए शुरू कर दही, हर कोड़ी जो है लेकर और मन खेत बटे जाए शुरू कर दही। तो भाई हमरे मन कैसे अपन धान कर खेती कर तैयारी करब ताकि बढ़िया उत्पादन हमरे मन ले सके भौजी, तो हमरे मन फटाफट जानकारी कर लेवे ला जानकारी हमरे के विशेषज्ञ देवे नीरज कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो अभी ज़्यादा से ज़्यादा धान उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए नई तकनीक क्या है? सबसे पहले किसान भाइयों, किस्मों का ख्याल रखना बड़ा ही ज़रूरी है। आप ये सुनिश्चित करें कि आपका खेत किस तरह का है, अगर ऊपरी ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है या नीचे की ज़मीन है। अगर इस तरह से पहले ज़मीन को आप जानें, उसके हिसाब से आपको किस्मों का चुनाव करना होता है, क्योंकि जो नीचे की ज़मीन है, जो दोन एक है, उसमें लंबी अवधि की किस्म का हम चुनाव करते हैं। जो मध्यम ज़मीन है, दोन दो या दोन तीन, उसमें हम मध्यम अवधि की किस्में जो कम से कम 120 दिन 25 दिन में तैयार हो जाती है उसका चुनाव करते हैं। जो ऊपरी ज़मीन है, या तो आप सीधी बुआई करें या फिर रोपा भी कर सकते हैं। अगर सीधी बुआई करना है तो उसके लिए एकदम टाँड ज़मीन चाहिए होता है, और टाँड एक टाँड दो। अगर आप उसमें रोपा भी करना चाहते हैं ऊपरी ज़मीन में, तो टाँड तीन, जिसमें हम बिरसा विकास धान 110 लगाना चाहते हैं या लगाते हैं, उसमें बिरसा धान 201 203 इन सबों को हम लगाते हैं। जो ऊपरी ज़मीन है उसमें हम अन्य जो किस्में हैं जिसकी सीधी बुआई करते हैं उसको लगाते हैं। तो किस्मों को जानना है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, ज़मीन का प्रकार जानना है, और उसके हिसाब से आपको किस्म खरीदना है, उसकी उपलब्धता करनी है। और ये सही समय है, जब खरीफ का मौसम आने वाला है, आपको किस्मों का इंतजाम करना है और उसकी सफल खेती करनी है। तो डॉक्टर साहब, अगर झारखंड प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे किसान कौन कौन से जो किस्म है इसका प्रयोग वो करेंगे? अगर आपके पास नीचे की ज़मीन है तो आप BPT 5204, जिसको सम्मा मसूरी बोलते हैं, आप स्वर्णा लगा सकते हैं, MTU 7029 जिसको बोलते हैं, आप राजश्री लगा सकते हैं। तो ये आपको 145 दिन के आसपास की किस्में हैं जो कट जाती हैं। अगर नीचे की ज़मीन में आप हाइब्रिड भी लगा सकते हैं, जो कई बारी 64-44 जो है अब एराइज का हो गया है, 64-44 भी आप लगा सकते हैं, ये भी लगभग वही अवधि लेता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो 64-44 है एराइज का, उसको आप मध्यम ज़मीन में भी लगा सकते हैं, वो दोनों जगह पे आप लगा सकते हैं। अगर मध्यम ज़मीन की बात करें तो जो हाइल्डिंग वेराइटी है उसमें आपको ललाट है, IR 64 है, नवीन है, ये बहुत अच्छी किस्में हैं जो 120 दिन 25 दिन में काटने लायक हो जाती हैं। अगर आप और कम अवधि की किस्में चाहते हैं तो जैसा हमने अभी कहा था, BVD 110 आप लगा सकते हैं, आप बिरसा धान 201 203 लगा सकते हैं, आप बिरसा मती वगैरह मध्यम अवधि में ले सकते हैं जो सुगंधित धान है। अब ग्रीष्मकालीन जब समय है तो जुताई का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो इसमें हमारे किसान भाई क्या करें और इससे क्या फ़ायदा उनको होता है? हम लोग ग्रीष्मकालीन जुताई के लिए जोर देते हैं, उसकी दो वजह है। एक वजह तो है कि पानी बहुत गिरता है खरीफ में और खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, किसान भाई कोई दवा रसायन इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा जो लेबर है वो बहुत इन दिनों महंगा मिल रहा है, और बहुत मुश्किल है खरपतवार को मैनुअली निकालना, निकाई गुड़ाई करना बहुत मुश्किल है, तो इसका आना कम हो जाता है। अगर ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं, आप गहरी जुताई करके मिट्टी को छोड़ देते हैं पलट करके, तो एक तो खरपतवार का आना खरीफ मौसम में कम हो जाता है, दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं उसका भी वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी क्योंकि तेज़ धूप आती है और अंदर जो छुपे होते हैं कीड़े मकोड़े वो बाहर आ जाते हैं, वो आपके खेत से दूर चले जाते हैं या मर जाते हैं। तो दो फायदे होते हैं, इसलिए ग्रीष्मकालीन जुताई किसान भाइयों को अवश्य करना चाहिए। अब जो हमारे किसान भाई बिजड़ा लगाने जा रहे हैं तो उस बीज को उपचार करना उनके लिए कितने लाभकारी? देखिए, हम लोग सारे फसलों में ये कहते हैं कि बीजोपचार जरूरी है। बीजोपचार से तो पौधे तंदुरुस्त होते हैं, अंकुरण उनका बढ़िया होता है, जब दीमक वगैरह अंदर आता है मिट्टी के अंदर या जो बीज से होने वाली बीमारी है, तो जितने भी फफूंद हैं उनका आना कम हो जाता है, और
हम लोग बार बार कहते हैं कि आप अपने बीज को भिंगो करके उसको फिर वेबस्टीन से उपचारित करें। 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम वेबस्टीन इस्तेमाल करें। इन दिनों कीड़ों मकोड़े के लिए भी उपचार करते हैं, क्लोरोफायरीफास इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों दलहनी फसलों में भी हम राइजोबियम कल्चर करते हैं, PSB कल्चर करते हैं। तो ये बीजोपचार अब पहले जैसा सिर्फ फफूंदनाशी के लिए नहीं रह गया है। इन दिनों वो फफूंदनाशी के बाद, बीमारी के बाद कीड़े के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए भी करते हैं, राइजोबियम कल्चर के लिए भी करते हैं, फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो ये जो नई तकनीक आने शुरू हो गई है उसको किसान भाई को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब किसान भाई पौधे लगा चुके हैं तो उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उस समय हमारे किसान भाई कौन कौन से उर्वरक और कितनी मात्रा में? हम लोग सलाह देते हैं कि जब आप लगाने जा रहे हैं उस समय सड़ी गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर तो ज़रूर ही डालें। उसके अलावे आप उसमें ज़रूर से ज़रूर जो नेत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये जो आपके किस्म की अवधि है उसके हिसाब से इसमें अंतर आता है। जो लंबी अवधि है उसमें हमको ज़्यादा देना होता है, जो मध्यम अवधि है उसमें कम, और जो जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं उसमें थोड़ा और कम। जैसे 40 किलो नेत्रजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास हम ऊपरी ज़मीन में देते हैं, और 80 किलो, 40 किलो और 30 किलो क्रमशः नेत्रजन, फास्फोरस और पोटास हम मध्यम ज़मीन में देते हैं, और करीब 100 से 120 किलो नेत्रजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास हम लंबी अवधि की किस्मों में देते हैं। अगर आप बैलेंस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो पौधे हैं उनको सही चीज़ें समय पर मिलेंगी और उत्पादन अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि आप इसका उपयोग करेंगे और अधिक धान उत्पादन में इसका भरपूर उपयोग करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, बड़ा सुपर जानकारी एकदम है नहीं, अब तो किसान मन के हमके लागेला कि जानकारी हुई जा हुई और देखो नहीं खेत बटे जाके शुरू कर दे हैं किसान मन। बिल्कुल, और साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं वो खेती बाड़ी के साथ जानवर भी बहुत तरह के पालते हैं, यानी बकरी, सुकर, मुर्गी, बहुत तरह तरह के पशुपालन। एकदम तो हमारे किसी कृषि कार्य कर संगे संगे अगर पशुपालन कर काम कर रहे थे तो अपन जो आर्थिक स्थिति है हमारे मन मजबूत कर सके, और हमारे किसान जो बंधु हैं वो अगर सुकर पाल रहे हैं तो किस तरह से उसका रखरखाव करें, किस तरह से उनकी सारी जो रखरखाव में ध्यान देने वाली बातें हैं उनका अगर ख्याल रखें तो जो सुकर है वो ज़्यादा तादाद में प्रजनन करेंगे, साथ ही ज़्यादा प्रजनन होगी तो उसकी बिक्री भी ज़्यादा होगी और आमदनी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को अगर हमारे किसान बंधु जान ले तो आमदनी का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। देखो कितना जानकार भौजी हैं हमरे कर किसान मन, तो जे भौजी बता लें से फटाफट रोए मन करे शुरू कर दो और खेती बाड़ी कर संगे संगे सुकर पालन कर काम करे शुरू कर दो, देखो अतिरिक्त आय रोए मन के जरूर भेटाए, तो जानकारी भी हो जाए चाहिए कर बारे में। तो हमरे मन के जानकारी देवे डॉक्टर रविंद्र कुमार, ताओ किसान मन हमरे मन फटाफट जानकारी कर लेवेला कि पशुपालन में जे सुकर पालन है हमरे कैसे कर सकेला और आय कर अतिरिक्त जे हमरे का साधन है से कैसे मजबूत कर। सर, आप हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताइए कि झारखंड में पशुपालन में सुकर पालन का कितना योगदान है? सुकर पालन झारखंड यदि बात करते हैं झारखंड में तो बहुत सारे किसान भाई पशुपालन से जुड़े हैं हमारे झारखंड में और बेहतर आय कर रहे हैं, लेकिन सभी पशुओं की यदि बात करते हैं तो सुकर पालन का उसमें विशेष योगदान है और ज़्यादातर किसान सुकर पालन से जुड़े हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। सुकर पालन से जुड़ने का मुख्य कारण ये है कि इसमें जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आय होता है, अन्य पशुओं की तुलना में अगर हम देखते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये पशु जो है सुकर अन्य पशुओं की तुलना में ज़्यादा बढ़ता है, बच्चे ज़्यादा देती है, कम समय में ज़्यादा रिटर्न है, आपको कम समय में पालते हैं और आपको पैसे अधिक मिल जाते हैं, रिस्क कम है, बीमारियां होने की संभावना भी कम होती है और इसमें रख रखाव पे जो है खर्च बहुत कम है। तो ये सब जो एडवांटेज है, सब फ़ायदे जो हैं सुकर पालन से, जिसके कारण झारखंड में सुकर पालन जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है ये इससे जुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ भी अभी बहुत सारे किसान जो है प्रशिक्षण लेते हैं, लगभग एक साल में 300 से लेकर के 500-600 किसान जो है प्रशिक्षण लेते हैं और प्रशिक्षण लेकर के वो खुद का अपना फार्म खोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मुनाफा कमा रहे हैं। सुकर पालन में अधिक आय के लिए हमारे किसान भाई क्या बेहतर उपाय कर सकते हैं? सर,
शुकर पालन में ज़्यादा से ज़्यादा आय के लिए, ऐसे तो शुकर पालन में बहुत ही आमदनी है, अच्छी है, और अधिक आमदनी के लिए बेहतर प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जो भी शुकर पालन से जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं, उनको ये शुकर पालन के बारे में समुचित जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसके प्रबंधन के बारे में। खास करके प्रबंधन की यदि बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो आता है, कौन सा नस्ल पाले, खाना का कैसे व्यवस्था करें, रख रखाव कैसे व्यवस्था करें, छोटे जो छौने हैं उसका रख रखाव कैसे करें, बीमारियों को में किस तरह से उसका बेहतर इलाज करें या टीकाकरण करें, ये सब सारी बातें जो है बेहतर प्रबंधन में आती है। और इन सारी बातों का यदि ज्ञान होगा हमारे किसानों को, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे आमदनी ले सकते हैं, अदरवाइज जो है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो सकती है। तो बेहतर प्रबंधन के बारे में जो है सबसे पहला चीज़ जो आता है कि बेहतर नस्ल का चुनाव, क्योंकि जो है कि नस्ल जो पहला चीज़ है कि किस तरह का नस्ल जो है वो पालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उससे आमदनी हो सकता है। तो शुकर पालन में हमारे किसान भाइयों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और TND नस्ल जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ये तैयार किया गया है, डेवलप किया गया है यह नस्ल TND, और ये TND जो है कि काफ़ी पॉपुलर भी है झारखंड में। इस TND को पाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। TND जो नस्ल है ये काले रंग का होता है, और जो है इसमें बीमारियां भी कम होती है, बढ़ने की क्षमता कम होती है। ये एक संकर नस्ल है जो कि टैमवर्थ जो विदेशी नस्ल है और देसी नस्ल दोनों के संकरण से ये नस्ल तैयार किया गया है। तो किसान भाइयों के पहला जो नस्ल, सबसे पहला अगर किसान भाई शुकर पालन करने चाह रहे हैं तो सबसे पहले बात जो आती है कि कौन सा नस्ल पालें, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग TND जो नस्ल है वो आप उसका पालन कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट फार्म जो पिगरी फार्म है वहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको प्राप्त करके इसको पाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुकर पालन में मुख्य रूप से जो खर्च होता है वो खाने पे खर्च होता है। लगभग आपको 75 से 80% जो खर्च होगा वो सिर्फ भोजन पे उसका खर्च होता है। तो भोजन का बेहतर प्रबंधन, उसे खान पान का बेहतर प्रबंधन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी वो कर सकते हैं। तो खान पान का बेहतर प्रबंधन करने का मतलब है कि किस तरह से उनको ऐसा खाना दें जो कि वो पौष्टिक हो, और जो है कि वो उसमें खर्च भी कम हो, और जो भी उनको न्यूट्रिएंट मिलना है शुकर को वो पूरा मिले, तभी उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। जो शहर के आसपास में जो भी किसान भाई के शुकर पालन से जुड़े हैं वो मुख्य रूप से होटल वेस्टेज जो जूठन सामग्री जो है उसको वो लोग देते हैं शुकरों को खाने के लिए, और जो गांव में है वो वेजिटेबल वेस्ट या फिर हड़िया वेस्ट, ये सब जो वेस्टेज हैं या फिर लोकली जो भी आसपास में उपलब्ध है जो भी इंग्रेडिएंट्स, जैसे आपका जो भी खल्ली उपलब्ध है या फिर करंज का खल्ली है या फिर टैमरिंड सीड है या महुआ है, ये सब भी आप बेहतर उपलब्ध अगर है सस्ते दर पे तो उसको आप जो है उसको खाने में उसको उपयोग करके खाने के खर्च को कम कर सकते हैं। आप संतुलित आहार बना करके भी दे सकते हैं। संतुलित आहार में जैसे कि मकई है, पिसा हुआ मकई, चोकर, बादाम का खल्ली, मछली चूर्ण, मिनरल मिक्सचर, ये सब मिला करके खाना बनाते हैं। तो इस तरह का जो खाना है वो उसको उपलब्ध करा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो भी बेकार खाद्य पदार्थ है वो भी शुकरों को दे सकते हैं, जिससे कि खाने के खर्च को कम हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सकती है। और अभी जैसे बरसात का मौसम है तो ज़्यादातर जो शुकर फार्म में आप देखेंगे कि जल का जमाव हो जाता है, पानी वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, जमा हो जाता है, ये बीमारी का कारण है। और जो है कि जल का जमा होने से ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है वो कमरे में ज़्यादा हो जाती है, ये प्रतिकूल वातावरण है। और जब भी उसको सही वातावरण शुकरों को नहीं मिल पाएगा तो बेहतर जो है उसका ग्रोथ, बढ़ने का क्षमता या बच्चे देने का क्षमता, प्रजनन क्षमता जो है वो उसमें कम हो जाती है। तो इस तरह से जो है कि बेहतर जो है आवास का प्रबंधन करें, और अभी बरसात के समय में खास करके ये ध्यान दें कि आपका आवास सूखा रहे और जो है स्वच्छ हवा रहे। और अभी गर्मी और जो बरसात का मौसम चल रहा है इसमें जो है कि आप कोशिश करें कि जो है कि वेंटिलेशन वगैरह, खिड़की वगैरह खुली रहे, ताकि जो है कि ज़्यादा उसमें आर्द्रता जो है, आर्द्र जो है रूम में ना हो, ह्यूमिडिटी नहीं हो, ताकि उसको बेहतर जो है वातावरण मिले। उसके अलावा जो है बीमारियों की यदि बात करते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि टीकाकरण आप ज़रूर कराएँ। टीकाकरण में मुख्य रूप से जो है कि स्वाइन फीवर, FMD खुरहा जो बीमारी होती है, और स्वाइन फीवर, शुकर ज्वर, ये दो बीमारी मुख्य रूप से देखने को मिलता है। खास करके गर्मी का मौसम में भी ये ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो इस बीमारी को बचाने के लिए
इससे बचाने के लिए आप 6-6 महीने पे इसका टीकाकरण करें, स्वाइन फीवर का या FMD जो है उसका हर 6 महीने पे उसका टीकाकरण करवाएं, जिससे कि जो है कि बीमारी जो होने बीमारी इसमें सुकरों में बीमारी नहीं होगी FMD और स्वाइन फीवर का, क्योंकि ये बीमारियां जब एक बार आती है तो इसमें जो है बढ़ने की क्षमता या प्रजनन क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, और स्वाइन फीवर में तो 90-95% तक मोर्टलिटी हो सकती है। सुकर पालन के बेहतर प्रबंधन के लिए बहुत अच्छी जानकारी आती, उम्मीद करता हूँ आप इन जानकारियों से लाभ उठाएंगे और अधिक मुनाफा कमाएंगे। तो ये वाली जानकारी भी हमने फटाफट आपको दे डाली। तो बगरा तो गुठिया के बतिया के नखे भूजी कारण है कि हमरे मन ठीना तो समय बहुत कम रहेला। तो किसान मन दोसर सप्ताह उमन खातिर बहुत नगद नगद जानकारी फिर से हमरे मन लेके आवब, लेकिन ऊपर से पहले कागज और कलम लेकर उमन तैयार रहो, कारण के भौजी साहब एकदम हमरे कर पता लिखवा के लिए तैयार हैं, तो फटाफट लिखवाए नहीं जी हाँ। लेकिन पता लिखवाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको हर बार अपना पता बताते हैं, तो आप भी हमें पत्र जरूर लिखिए, हमें आपके पतों का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो लिख लीजिए हमारा पता, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। और पिन संख्या तो हमर जिम्मेवारी है भाई, तो बता देवेला पिन संख्या है 834-001। तो अगले हफ्ता फिर हम आएंगे और ढेर सारी जानकारी फिर और लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एकदम। तब तक ले हमरे दुयो जन के विदा देव, लगे तब जोहार जोहार।